नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं GHTV। कौड़ी से वशीकरण का हम आपको टोटका बताएंगे और कौड़ी मंत्र बताएंगे। कौड़ी मंत्र वो मंत्र है जिससे किसी भी इंसान को आप अपने वशीभूत कर सकते हैं। जिस तरह मोहनी जड़ी के ऊपर मंत्र किए जाते हैं, उसी तरीके से कौड़ी मंत्र भी होते हैं और भी अनेक चीज़ों से वशीकरण किए जाते हैं। कृपया हमारे वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में जो जानकारी आपको दे रहा हूँ, ऐसी जानकारी आपको अभी तक किसी ने नहीं दी होगी। दोस्तों, सबसे आसान तरीके हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को मिल रहे हैं, आप सभी के काम हो रहे हैं और आप सब भी मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। आप सभी की समस्या का समाधान करने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा। यदि आपके पति और पत्नी के बीच में विवाद है और आपका पति एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करता या आपकी पत्नी आपसे अच्छे से बात नहीं करती, एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं या दूर हो सकते हैं, तो आप हमारा बताया हुआ ये जो उपाय है इसको एक मर्तबे करके देखिएगा। माता रानी की कृपा रहेगी तो ये वशीकरण उसी समय असर दिखाएगा जिस समय आप करेंगे। दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि कौड़ी वो चीज़ है जो आज से बहुत सालों पहले पैसे की तरह चला करती थी। जिस तरह आज पैसा खर्च किया जाता है, कभी कौड़ी खर्च की जाती थी और कौड़ी के ऊपर बहुत सारे जादू टोने और बहुत सारे तंत्र किए जाते हैं, उसमें वशीकरण भी किया जाता है। हम आपको अभी जो कौड़ी के माध्यम से वशीकरण का तरीका बताएंगे, इसमें आपको कोई मंत्र उच्चारण नहीं करना है। बिना मंत्र बोले हुए आपको कौड़ी के ऊपर टोटका बताएंगे और आपको कौड़ी का मंत्र भी बताएंगे, इसकी पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको बता दूं, कुछ लोग हमारे नंबर के ऊपर सीधे कॉल कर देते हैं, जो स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर दिया गया है। इस तरह मुझे कॉल ना करें, क्योंकि ऐसे अगर आप कॉल करेंगे तो मैं आपकी बातों को भी नहीं समझ पाऊँगा और आपके काम को भी नहीं समझ पाऊँगा। आप सीधे मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिए, मैं कुछ ही देर में आपको व्हाट्सएप पर जवाब भी दूंगा। अगर मैं कॉल नहीं उठा पाया तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर दे दिया करिए। दोस्तों, इस उपाय को वही लोग करेंगे जिनको मैं बताऊंगा, और इसके अलावा इस उपाय को वो नहीं कर सकते जिनको मैं नहीं बताऊंगा। तो इस उपाय को कौन लोग कर सकते हैं ये भी बताऊंगा, और किन लोगों को ये उपाय नहीं करना चाहिए ये भी बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत आपके काम का वीडियो है। किसी को मोहित करने के लिए, किसी को अट्रैक्शन करने के लिए आप ये बहुत ही आसानी से हमारा बताया हुआ उपाय कर सकते हैं। मात्र दो मिनट में ये आपको असर होता हुआ नज़र आएगा। दोस्तों, ये वशीकरण ऐसा वशीकरण है, आज से पुराने टाइम में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके हज़ारों गुलाम हुआ करते थे, इसी तरीके से वो अपने गुलामों को बनाया करते थे। आप भी किसी को गुलाम तो नहीं, लेकिन अपना दोस्त ज़रूर बना सकते हैं, अपना मित्र ज़रूर बना सकते हैं, अपना शुभचिंतक ज़रूर बना सकते हैं। और अगर आपका पति आपसे नाराज़ है, रूठ गया है, तो आप अपने पति को अपना दीवाना बना सकती हैं। आपका पति दिन और रात आपके साथ में ही बिताएगा, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। जब तक आप नहीं बोलोगे वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। चाहे जितना वो आपसे नाराज़ हो गया हो, चाहे जितना वो आपसे रूठ गया हो, बस एक बार आप इस उपाय को करिए और आपको समाधान उसी समय से नज़र आ जाएगा। दोस्तों, ये मैं आपको गारंटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौड़ी का जो टोटका है ये कैसे किया जाएगा, फिर मैं आपको कौड़ी का मंत्र बताऊँगा। जिस तरीके से आप सभी लोगों ने राजमोहनी जड़ी के लिए हमारे पास बहुत सारे करीब 3000 से ज़्यादा लोगों ने मैसेज किया है, आज उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको राजमोहनी नहीं मिलती, अगर कौड़ी मिल जाती तो कौड़ी का जो ये प्रचंड तरीका है ये भी किसी ने अभी तक बताया नहीं होगा, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको टोटका बताऊँगा, उसके बाद में मैं आपको मंत्र बताऊँगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वरना आप थोड़ा सा भी अगर छोड़ देंगे वीडियो तो समझ नहीं पाएंगे। अब जो जानकारी मिलने जा रही है बहुत ही स्पेशल है आपके लिए। सबसे पहले आपको कौड़ी ले लेना है जिस पर लाल निशान ना लगा हो। ध्यान से समझिएगा, कौड़ी एकदम सफ़ेद होती है, अंदर से काली होती है, कुछ कौड़ी भूरी होती हैं और उसके ऊपर काले निशान होते हैं। तो बस लाल निशान वाली कौड़ी नहीं लीजिएगा, क्योंकि लाल निशान की कौड़ी आज से 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, जितने साल पहले कौड़ी चलती थी, तो जिस पर लाल निशान लगता था वो कौड़ी को कोई लेता नहीं था, ऐसा हमारे पूर्वजन बताते हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक कौड़ी लेनी है जो साबुत कौड़ी होनी चाहिए और एकदम उसको आप अच्छे से धो लीजिए। आपको दो कौड़ी की आवश्यकता है,
एक इंसान को वश में करने के लिए आपको दो कौड़ी की ज़रूरत है, एक आपकी और एक उसको जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। तो उसकी कौड़ी भी आप मार्केट से ले आइए। अब तो कौड़ी मार्केट में खरीदी बेची जाती हैं, तो आप ला सकते हैं, या आपके पास पहले से कभी रखी हो तो आप उस कौड़ी को उठा लीजिए, अच्छे से धो लीजिए। अब आप उसके ऊपर ये तंत्र जादू कीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आपको कौड़ी के पीछे के हिस्से में जहाँ के पास ये कटा हुआ नज़र आ रहा है, ये उल्टा हिस्सा है और ऊपर का जो हिस्सा होता है वो सीधा हिस्सा है। तो सीधे हिस्से की तरफ आपको सबसे पहले उसका नाम लिख के नीचे सात लिख देना है। अब आप अपनी कौड़ी को उठाएंगे जिस पर आपको अपना नाम लिखना है, अपना नाम लिखने के बाद में नीचे नौ लिख देना है और इन दोनों कौड़ियों के उल्टे हिस्से को एक दूसरे में मिला दीजिए और काले धागे से खूब कस के लपेट दीजिए। लपेटने के बाद में दोस्तों आप इसको अपने पलंग में, चारपाई, बेड, जहाँ पर भी आप सोते हैं उसमें इसको सीधे मछुए की तरफ बांध लीजिएगा। जिधर भी आपका सीधा मछुआ हो उधर आप इसको सरियाने की तरफ, जहाँ पे आपका सर होता है उधर का जो सीधा हाथ होगा उस तरफ आप इसको बांध लीजिएगा। एक रात इसको बंधा रहने दीजिएगा, सुबह तक के वो इंसान आपसे इतनी मोहब्बत करेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। सात दिन तक इसको रख के बाद में आप इसे अपने बेड से खोल के बहते हुए पानी में डाल सकते हैं, जो पानी पीने लायक बहता हुआ हो वहाँ, जैसे नदी, नहर, यहाँ पर आप ले जा करके डाल दीजिएगा और इसका जाने दीजिए। अब आपको मैं बताता हूँ कि कौड़ी का मंत्र क्या है। दोस्तों कौड़ी मंत्र वो है जिसको पाने के लिए लोग बहुत तरस रहे हैं, 100% बता रहा हूँ आपको। कौड़ी का मंत्र वो मंत्र है कि जब कभी कोई काम न बने तो कौड़ी हाथ में लेकर मंत्र उच्चारण करें और उसका नाम ले लेकर के कौड़ी पर फूंका जाता है और कौड़ी को कौड़ी में लड़ाया जाता है। अगर कौड़ी की आवाज़ उस इंसान तक के पहुँच रही है उसके टकराने की, वो इंसान आपके वश में हो जाएंगे जितने भी लोग वहाँ पर खड़े होंगे। दोस्तों अगर आप इस मंत्र को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको करना होगा। जो भी मैं बताऊँगा उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। इस उपाय को वही लोग करें जो हमारे चैनल GHTV को सब्सक्राइब करें। वीडियो को जिन लोगों ने पूरा देखा है, सीखा है, तभी इस उपाय को करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना नाम लिखें, या आप कोई और नाम भी लिख सकते हैं, या आप मुझे भी नमस्ते कर सकते हैं। दोस्तों आप इतना करेंगे तभी मैं आपको आज्ञा दूंगा और इस वीडियो की जानकारी को इस वीडियो पर ही मैं आपको दूंगा कमेंट में। आप लोग अगर मुझसे स्पेशल काम कराना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, मैं आपका काम स्पेशल अपने यहाँ से करवाऊँगा। चलिए, इतना स्पेशल करने से पहले ही आपका काम हो जाएगा यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, और इस उपाय को वही लोग करें जो मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अब अगर आपको कौड़ी का जो मंत्र बता रहा हूँ, कौड़ी का मंत्र एक नहीं कई एक मंत्र होते हैं, वो हम आपकी हालात को देखेंगे, आपकी स्थिति को देखेंगे कि माहौल कैसा है, क्या आपको दिक्कत है, कैसी आपको समस्या है, उस हिसाब से आपके लिए मंत्र का चयन किया जाएगा। और मंत्र बहुत सारे हैं, छोटे भी होते हैं मंत्र, बड़े भी होते हैं, लेकिन थोड़ा कठिन होगा आपको ये करने में। अगर आप सक्षम हैं तो ही आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको मंत्र ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए। जय हिंद दोस्तों।